ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਿਪਤੀ ਉੱਪਲ ਨੇ ਰਿਬਨ ਕੱਟ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ADC ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, SDM ਸ਼ਾਇਰੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। इस मौके डिप्टी कमिश्नर दीप्ती उप्पल ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर दौरान देश भर में आक्सीजन की काफ़ी किल्लत महसूस की गई सी, जिस तहत कोरोना की तीसरी लहर का बहुता असर न हो। इस मकसद नाल केंद्र सरकार ते पंजाब सरकार वालों आक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। फगवाड़ा विखे लगाए गए इस आक्सीजन प्लांट उपर कुल लागत 65 लाख रुपए आई है, जिस विच GNA ग्रुप के ITC का वडमुला योगदान है। फगवाड़ा विखे कोरोना वैक्सीन की कमी संबंधी पूछे गए सवाल से उन्होंने कहा कि सप्लाई पर निर्भर करता है। इस दौरान आक्सीजन प्लांट सहयोग देने लिए GNA ग्रुप के ITC के अहुदेदारों सम्मानित भी किया गया। उत्थे विधायक फगवाड़ा बलविंदर सिंह धालीवाल ने आक्सीजन प्लांट लिए फगवाड़ा वासियों मुबारकबाद देंदिया कहा कि कोरोना की तीसरी लहर बेशक आ जाए, इस दौरान आक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाएगी। साढ़े सारे फगवाड़ा वासियों वाली बड़ी खुशी वाली गल है कि डिप्टी कमिश्नर मैम दीप्ती उप्पल जी की अतना सारी टीम वालों जोड़ा है फगवाड़े जोड़ा CR एक्टिविटी के तहत जोड़ा है ये जो ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, और जिस तरह मैम ने दसा है कि ये लगभग जो 65 लाख का जो खर्चा आएगा, तो इस करके सारा ये जरा अपने ITC लिमिटेड नाल ही GNA के सहयोग के नाल जो बनाया गया है। तो मैं उम्मीद करता कि जिस तरह के सैकेंड लेयर के बेशक फगवाड़े भी ऑक्सीजन की थोड़ा जहा उदो किल्लत आई सी, पर सारे देश में ही किल्लत आई है, इस करके उसनों मुख रखते हुएगा जो पंजाब सरकार भारत सरकार वालों जो विशेष उपराला करके थर्ड लेयर में मुख रखते हुए जोड़ा है यद उपराला किया गया है कि कितने भी ऑक्सीजन की घाट ना हो। इस करके मैं सारे एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करता और नाल ही फगवाड़ा वासियों को धन्यवाद, ये इस गलों भी विश्वास दवाना है कि बेशक थर्ड लेयर भी आ जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन जी टोटल गेयर अप है गई है कि किसी प्रकार की कोई मुश्किल आएगी तो उन्होंने जरा उस टाइम निजेठा जाए, और कोई भी जो पेशेंट्स वगैरह आते हैं तो उन्होंने समय से ट्रीट करके उन्होंने इलाज किया जा सके। धन्यवाद जय हिंद। जिमें थानू पता है कोविड की जब सैकेंड वेव आई सी तो पूरे इंडिया से ही ऑक्सीजन की काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी, वो मद्देनज़र रखते हुए ही पंजाब सरकार एंड इवन भारत सरकार ने भी टू मेक श्योर कि सानू थर्ड वेव ज़्यादा इफेक्ट ना करे उसके लिए ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। यह फगवाड़े से जो ऑक्सीजन प्लांट लग गया है यह टोटल कारपोरेट सोशल रिस्पोंसिबिलिटी के तहत लग गया है, जिद ऑक्सीजन प्लांट जो 500 ml का है वह सारा कम ITC ने, द प्लांट हैज़ बीन डोनेटेड बाय ITC। उस तो इलावा क्योंकि सिर्फ प्लांट नाल नहीं, उस तो इलावा भी उसके काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होंगे जिमें शेड, पाइपिंग, जनरेटर एंड ऑल, वो सारी भी CSR कॉन्ट्रीब्यूशन हुई है जो GNA ग्रुप ने की है, GNA यूनिवर्सिटी एंड GNA एक्सल ने। टोटल लागत यदि करीबन 65 लाख के करीब आई है सारी चीज़ा मिला के। यह टोटल प्रोजेक्ट जोड़ा है थ्रू प्राइवेट पार्टनरशिप ही होया है, एंड ये यही है कि सानू ऑक्सीजन की कोई किल्लत ना आए, साडा जेड़ा एक खर्चा हमेशा ऑक्सीजन सिलेंडर पर बैठता सीगा वो भी घट हो जाएगा, नाले रेडिली ऑक्सीजन अवेलेबल भी हो जाएगी। सो लेट अस होप कि असी हुण बैटर प्रिपेयर रहांगे, ना सिर्फ कोविड ले भी इवन अदरवाइज भी हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर ले भी आ एक बैटर चीज़ है, क्योंकि हुण ऑक्सीजन कोई भी एमरजेंसी केस आएगा, कोई भी ट्रबल केस आएगा तो उन्होंने आराम नाल ऑक्सीजन प्रोवाइड हो जाएगी। देखो वैक्सीन का जी ए टोटली सप्लाई बेस्ड है, जिन्नी सानू सप्लाई आती है वी मेक श्योर कि वो उस दिन कंज्यूम हो जाए। आई एम 100% श्योर कुछ इस तरह का होता होएगा कि नाउ, क्योंकि जब स्टार्ट होया सीगा उस टाइम लोग इन्ने इंट्रस्टिड नहीं सके, लेकिन हुण सारे लोगों ने देख लिता है कि वैक्सीनेशन इज़ द ओनली ऑल्टरनेटिव जिद सेफ्टी है, तो नाले कोई इस तरह के साइड इफेक्ट्स नहीं आते, हल्का जहा बुखार थानू एक अद्धे दिन रहा है, उस तो इलावा कुछ नहीं है। हूँ लोगों से भी जोश ज़्यादा है, लेकिन यह टोटल सप्लाई बेस्ड है, जिनी सानू सप्लाई आती है आप इंश्योर करते हाँ कि वो विद इन 1 डे ही कंज्यूम हो जाए, इनफैक्ट वो अद्धे दिन से ही सारी साड़ी लग जाती है। एक बड़ी समस्या आ रही है मैडम, जिन्हें मैसेज आया हुआ वैक्सीन का लगन का, पर उन्होंने लग नहीं रही है, बार बार हस्पताल के चक्कर लग रहे हैं, उन्होंने वापस जाना क्योंकि उन्होंने मैसेज ऑलरेडी आ चुका है और रिक्शा करके किराया खर्च के आने पर इतों फिर भेज दी। जे इस तरह का कुछ है क्योंकि मैं थानू दस्या है कि इट इज़ टोटली सप्लाई बेस्ड, तो उस तरह की जी कोई प्रॉब्लम है ADC फगवाड़ा एंड SDM फगवाड़ा इतने ही है, काइंडली इन्हों ना दे दो, ADC साहब तुम देख भी लो, सो दैट आप जिन्होंने मैसेज आ गया उन्होंने प्रायोरिटी से पहले करा देंगे।